नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। चलिए आज दिखाते हैं आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। गांव पेड़ताली से होकर अन्य ग्रामीण अंचलों में बेचने जा रहे अनिल कुमार पुत्र रानवास वैश्य निवासी किरवा की घेराबंदी करते हुए गिरफ्त में लेते हुए तलाशी ली, जिसमें 4 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी अनिल के विरुद्ध NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर चालाना किया गया, जहां न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक विनय शुक्ला, प्रधान आरक्षक राजेश सिंह, आरक्षक रवि गोस्वामी, राहुल सिंह, विवेक सिंह, नरेंद्र यादव, नागर सैनिक राम सिया, विश्वकर्मा शामिल रहे। सिंगरौली से प्रदीप तिवारी व कंचन द्विवेदी की रिपोर्ट। जी हाँ, हमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति 45 तरफ से गांव खिरवा की तरफ गांजा लेकर बिक्री हेतु जा रहा है। तो मुखबिर सूचना से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। उसके बाद एक टीम गठित की गई। टीम गठित करने के बाद मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जिसके बाद आरोपी को घेराबंदी करके पकड़ा गया और उसकी तलाशी ली गई, जिसके पास से लगभग एक प्लास्टिक की बोरी में 4 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपये बताई जा रही है। उसके बाद मौके पर ही 8/20 बी NDPS एक्ट की कार्यवाही की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया और मामले सदन में भी विवेचना चल रही है।